1 सितंबर से ट्रैफिक नियमों में आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। अगर अब गाड़ी चलाते समय आपने जरा सी भी लापरवाही बरती तो इतना मोटा जुर्माना लगेगा कि होश ठिकाने लग जाएंगे। छोटा उदाहरण देते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अब 10,000 तक का जुर्माना देना होगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2,000 तक देना होगा। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता पिता को 25,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे बहुत से नियम हैं जो 1 सितंबर से बदल रहे हैं। बदलने वाले कुछ नियमों को हम यहाँ बता रहे हैं ताकि आप सजग और सतर्क हो सके। ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अब अनिवार्य होगा। बगैर हेलमेट अगर दोपहिया वाहन चलाते पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निरस्त होगा। बगैर हेलमेट पकड़े जाने पर आपको 1,000 रुपए और ओवरलोडिंग पर 2,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अगर नाबालिग के वाहन चलाने पर हादसा होता है तो अभिभावक को 25,000 रुपए का जुर्माना और नाबालिग को 3 साल की सजा भी हो सकती है। हिट एंड रन केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी। लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए हो गया है। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1,000 और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 कर दिया गया है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1,000 की जगह अब 5,000 रुपए भरना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,000 की बजाय 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। स्पीडिंग या रेसिंग करने पर अब 2,000 नहीं 10,000 रुपए की मोटी रकम भरनी पड़ेगी। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए हो गया है। ओला उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। कार चलाते समय सीट बेल्ट ना लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 हो गया है। एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 1,000 से बढ़ाकर जुर्माना 2,000 रुपए कर दिया गया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। कमर्शियल लाइसेंस अब 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे। गाड़ी निर्माण में गड़बड़ी पर वाहन निर्माता कंपनी पर 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। खराब सड़क निर्माण की वजह से सड़क दुर्घटना होने पर ठेकेदार पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।